विद्वानों का ये कहना है कि वो हमारे काल हैं। कंसराज, मैं तो यही समझता रहा कि तुम बहुत बलवान हो, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया तुम तो बड़े कायर हो। कंसराज, उन मामूली से लड़कों से इतना डर गए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कंसराज, एक बात कहे, कितने बड़े राजा हो, यादवन को पकड़ के जेल में डलवा दे, समझे तुम्हारे के लिए कन्हैया कुमार वो कुछ बड़ी बात ना है। उसके लिए भी कुछ कानून की जरूरत है। कंस का लोगो बस मुसीबत तो जय है, का है? सुनो बाबा जी, अहिरन को बिना बात के छेड़वो को है, कोई तितली के पंख तोड़वो ना है, मतलब सुनो। निशानी पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, तीर कहते हैं, तीर कहते हैं, आन पहचान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। कहते हैं काले सर्प को, कंस कान लगो बाबा जी, करिया सांप तो खतरनाक हो तो ऐसो हो तो, लेकिन करिया सांप से ज्यादा खतरनाक जो अहीर है। अहीर दोनों बुरे, अहीर से बुरो अहीर, अहीर बाजा को मान ले पर बाजा तजे अहीर, बाबा करिया सांप खतरनाक हो तो है, लेकिन करिया सांप तो ज्यादा खतरनाक अहीर हो तो। अगर जो करिया सांप खा ले तो बाचा से जहर को कंट्रोल करो जाए, और लेकिन जो अहीर का डसले वो बचत ना है। याद रख, नारद बोले लला तो हम तो एक बहुत अच्छी अकल बताए, अब तू काली देर से दो छपरिया कमल के फूल मंगवा, कंस का लोगों का पहला सब चढ़वाए हुए खबर। पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में बोलने लगते हो। उस काली देवी कालिया नाग रहता है, वो फूल लेने के लिए जाएगा, वो नाग उसे डस लेगा, कन्हैया मर जाएगा। नंदनी पत्र लिख दिया यादवों के नेता बाबा नंद से, नमस्ते, मुझे दो छपरिया कमल के फूलों की आवश्यकता है, आप काली जैसे दो छपरिया कमल के फूल मंगवा दीजिए, ऐसा आपने नहीं किया तो मैं तुम्हारी सारी बरादरी को जेल में डलवा दूंगा। ये पत्र बाबा नंद को मिला है, बंधुओं खलेजा फट गया।